नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जैसा मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये वीडियो जो बेसिक है इसका, वो ये है कि घर तक बिजली कैसे पहुँचाई जाती है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है, इसे समझने के लिए मैंने ऑलरेडी जो पहला जो स्टेप होता है घर तक बिजली पहुंचाने का, वो होता है कि पावर प्लांट से बिजली का बनना। तो पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं उस पर हमारी वीडियो सभी लगातार चालू हैं। तो हमने ऑलरेडी इस सीरीज में दो वीडियो बना चुके हैं, एक थी थर्मल पावर प्लांट पे, दूसरी थी हाइड्रो पे, और आज ये तीसरी वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे है। आप लोगों से इतनी सा निवेदन रहेगा कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखना। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम से ही पता लगता है कि इस पावर प्लांट का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो पिछले दो पावर प्लांट जो हमने आपको समझाए उनसे अलग है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये एक्चुअल में फीसन प्रोसेस पे काम करता है। न्यूक्लियर फीसन प्रोसेस पे, एक्चुअली दो तरह का प्रोसेस होता है एटॉमिक रिएक्शन का, न्यूक्लियर फीसन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो काम करता है न्यूक्लियर फीसन प्रोसेस पे काम करता है। अब वो कैसे फीसन प्रोसेस पे काम करता है उसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। इस दुनिया में, इस जमीन में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो काफी ज्यादा अपने आप में एनर्जी कैरी करते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल का यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को चाहे वो किसी भी फील्ड का आदमी है, चाहे फिर वो फाइनेंस फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, या डॉक्टर है, या कोई भी किसी भी फील्ड से है, वो मेरी बात को समझ सके। बस इतना सा मैं अपना प्रयास जारी रखना चाहता हूँ। तो न्यूक्लियर प्रोसेस जो है, न्यूक्लियर फीसन प्रोसेस, एक्चुअल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस पावर प्लांट को चलाया जाता है। उसमें एक सबसे प्रबल एलिमेंट होता है जिसका नाम है यूरेनियम। अगर आप यूरेनियम नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा यूरेनियम क्या है। तो देखिए, यूरेनियम एलिमेंट का यहाँ पर, हालांकि और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेकिन मैं यहाँ यूरेनियम ले रहा हूँ, यूरेनियम U-235 ये इसका नाम है, मतलब कि इसका साइंटिफिक नाम है ये। तो यूरेनियम U-235 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट का एलिमेंट है। अब इससे देखिए, इससे किस तरह से बिजली पैदा की जाती है। एक्चुअल में जो फीसन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस, आप अगर एटॉमिक बम देखें तो वो प्रोसेस वहाँ भी होता है, वो सेम तरह का ही प्रोसेस है, लेकिन बस वहाँ एटॉमिक बम में और इसमें इतना फर्क है कि एटॉमिक बम में एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाता, अनकंट्रोल रहती है, वो बम में कन्वर्ट हो जाती है, फट जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। पूरा प्लांट आप देखेंगे न्यूक्लियर का, अगर आपने कहीं वीडियो में या कभी विजिट किया है तो आपको पता होगा ये पूरा प्लांट सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसके अंदर यूरेनियम U-235 का यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, यूरेनियम U-235 के एक अणु से अगर आप न्यूट्रॉन का एक अणु टकरा दें तो और बहुत सारे अणु पैदा होते हैं, और बार बार अगर इन अणुओं का टकराव होता है तो इसमें असंख्य अणु, एक चेन रिएक्शन प्रोसेस हो जाता है, मतलब एक से दूसरा टकराया, दो पैदा हुए, फिर दो से टकराए चार हो गए, फिर वो चार से टकराए आठ हो गए, फिर ऐसे 16-32 ऐसे, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अणु पैदा होते हैं जो गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। गर्मी पैदा करने की वजह से इसकी जो हीट है उसका ही हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने समझाया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, तो थर्मल पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था कि वो पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। वहां पर जो गर्मी थी उसे पैदा करने की वजह थी कोयला, यहां पर गर्मी को पैदा करने की वजह है हमारा यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ सोर्स डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस आप देखने जाएंगे तो सेम ही है। यहाँ पर हम चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फीसन प्रोसेस की मदद से गर्मी पैदा करते हैं, और वहीं पर जहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पर एक हम पान रॉड होता है, कूलेंट का रॉड होता है, जिसमें से हम
जो पानी है उसको निकालते हैं, पानी जैसे ही उसमें से जाता है गर्मी एब्सॉर्ब करता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो स्टीम है बस अब सेम प्रोसेस, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है जो फर्स्ट नंबर का था, तो सेम चीज़ वहाँ भी हुई थी यहाँ भी होगी। जो गर्मी से भाप बनाया, भाप से फिर हम उसे टरबाइन पर देंगे, टरबाइन घूमना शुरू कर देगा, भाप की एनर्जी है, प्रेशर है, उसे घूमना शुरू कर देगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन कपल है अपने जनरेटर से, जनरेटर या अल्टरनेटर घूमना शुरू कर देगा और वो घूमेगा तो आपको बिजली मिलेगी। बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो प्लांट है ये अपने आप में काफ़ी सारे रिस्क भी कैरी करता है, मतलब खतरे कैरी करता है। किस तरह के खतरे कैरी करता है, अब इसके थोड़े फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। चलिए, फायदा ये है कि इसके लिए जो एलिमेंट यूज किया जाता है यूरेनियम, बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। मतलब कोयले के लिए आप देखेंगे पूरी ट्रेन भर के जाती है, ट्रेन भर के नहीं जाता है यूरेनियम। तो बहुत कम ईंधन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा नंबर का फायदा देखें तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी कम जगह में आप बना सकते हैं इसको। इसके लिए हाइड्रो की तरह बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती, बहुत कम जगह में ये बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ मेन एडवांटेजेस न्यूक्लियर पावर प्लांट के। अब चलिए आइए बात करते हैं इस पावर प्लांट के डिसएडवांटेजेस की, नुकसान की। तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे जो इस पावर प्लांट का लगता है, चाहे किताब में कुछ भी दिया हो, लेकिन मेरे जो फीलिंग है और जो मैंने जितना रिसर्च किया है पावर प्लांट पे, तो इसका रिस्क, क्योंकि अगर मान लिया किसी दिन किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होगी, और वो जो अफेक्ट होगा पॉपुलेशन को, लोगों को, वो ऐसा नहीं है कि 2-5 दिन या साल 2 साल में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, वो आने वाली उन लोगों की पीढ़ियों तक वो चलेगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, यूक्रेन जगह है जहाँ पर आपने सुना होगा अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा था, उसी यूक्रेन में एक जगह है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल में बहुत सालों पहले एक पावर प्लांट हुआ करता था, मेरे ख्याल से 1980 के आसपास, 1980-84 कुछ ऐसा है, उस समय पावर प्लांट हुआ करता था। और वो पावर प्लांट में एक डिजास्टर हुआ और वो डिजास्टर इतना खतरनाक था कि उसके आसपास चेर्नोबिल पूरा एक, मतलब जैसे आज सिटी है ना, तो एक सिटी हुआ करती थी और वो बहुत ही डेवलप्ड सिटी थी, मतलब कि यूक्रेन की काफ़ी डेवलप्ड सिटी मानी जाने वाली थी वो। तो उस सिटी में जब ये डिजास्टर हुआ तो उसका सारा पॉपुलेशन खाली करना पड़ा, सारे लोग जितने भी रहते थे 50,000 लाख के करीब थे, तो वो सारे लोग उस सिटी को छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए सिर्फ इस पावर प्लांट डिजास्टर की वजह से। और अभी तक जो लोग उसके थोड़ा सा अफेक्ट में आ गए थे उनमें से काफ़ी सारों की तो कैंसर से मौत हुई, और उनकी जनरेशन पर अभी भी उसका इफेक्ट है। इवन चेर्नोबिल को अभी बैन कर दिया गया, वहाँ कोई जाता नहीं है, लेकिन वो जो पूरा अबांडेंड सिटी है, अगर आप कहीं वीडियो में भी सर्च करें चेर्नोबिल के बारे में, इवन मैंने एक वीडियो बनाई है चेर्नोबिल पे, अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, पूरा चेर्नोबिल पावर प्लांट डिजास्टर किस तरह से हुआ, कौन से लोग थे वहाँ, किस तरह से प्लांट चलता था, क्या चीज़ें हुई, क्या वजह थी, पूरी मैंने इंसिडेंट की जानकारी वहाँ शेयर की है, तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन चेर्नोबिल एक अबांडेंड सिटी है, वहाँ पर काफ़ी लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को आज भी टच करना मना है। इवन जिस बेसमेंट में जो लोग थे, फायर फाइटर्स जो गए थे वहाँ आग बुझाने, और वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, उनके जो बेसमेंट में जूते कपड़े वगैरह पड़े, उस वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी उनके जूतों और कपड़ों में आज भी बहुत हाई लेवल पे है। तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 30 सालों के बाद भी आज न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो डिजास्टर जो हुआ, तो उसका अफेक्ट वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ की चीज़ों पे आज भी मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है ये। तो ये सबसे बड़ा मैं ड्रॉबैक मानता हूँ इसका। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि इसका बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो न्यूक्लियर होता है, और उसे कहीं भी ले जाना, समुद्र में उसे फेंक देना या फिर कहीं भी फेंक देना बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। इवन समुद्र में फेंकेंगे तो अभी वहाँ की जो समुद्र के जीव जंतु हैं उनको अफेक्ट करेगा, तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब थोड़ा खतरों से खेलने वाली बात है। हालांकि इसे सेफ बनाने की कोशिश की गई है, सेफ बहुत हद तक बनाया गया, एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होगा तब बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होगा, बहुत खतरनाक होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
ये कुछ मेन ड्रॉबैक मैं मानता हूँ न्यूक्लियर के हैं, और न्यूक्लियर का जो आप जानते हैं फ्यूल है वो काफ़ी महंगा आता है, यूरेनियम, इट्स नॉट कोल के जितना सस्ता नहीं, काफ़ी महंगा है वो, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो इस कॉस्टलियर प्लांट मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्लांट में आने जाने वाले लोगों के लिए, साफ़ सफाई भी रखनी पड़ती है, बहुत सारे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो एक बहुत महंगा मेंटेनेंस इसका आप मान के चल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्लांट को के नुकसान आप कह लीजिए, डिसएडवांटेज कह लीजिए। बस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए सूरज के रिव्यू, सॉरी देखते रहिए सूरज के क्लासेस, एक्चुअली सूरज के रिव्यू नाम का भी हमारा एक चैनल है। थैंक यू सो मच, या जय हिंद, वंदे मातरम।